तेज रफ्तार के वर्चस्व में अंध गति से दौड़ती कार संतुलन बिगड़ने के साथ देर रात सुपर कॉरिडोर पर पलटी खा गई, जहां कार में सवार चार लोगों में से तीन युवक युवती घायल हो गए हैं, जिन्हें अरविंद अस्पताल भेजा गया है। दरअसल बीती रात को सुपर कॉरिडोर का भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें तीन लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अरविंद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ तीनों को उपचार दिया गया। वहीं तीनों फिलहाल घायल खतरे से बाहर हैं। बाणगंगा थाना पुलिस की माने तो घटना रात 9:30 बजे की है, और जहां ब्रेजा गाड़ी में सुपर गाइडर की ओर से लोगों चौराहे की तरफ दौड़ रही थी, रफ्तार इतनी अधिक थी कि अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो पलट गई। सड़क के दूसरी लेन में जा गिरी और पलट गई। कार में उस वक्त दो युवक और दो युवतियाँ सवार थे, जिसमें दो युवती और दो युवक घायल हो गए। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चे के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। हाँ, ये सुपर कॉरिडोर के ऊपर लवकुश चौराहे के पास में एक्सीडेंट हुआ है, और लाल कलर की ब्रिजा गाड़ी है, गाड़ी पे नंबर तो नहीं है। सूचना है कि इसमें दो युवक और दो युवतियां थी, और गाड़ी स्पीड हुई है और रोड क्रॉस करके दूसरे रोड पे आ गई है, और इसमें जो घायल थे, तीन लोग घायल है शायद, सामान्य चोटें हैं, उनको अस्पताल भिजवा दिया गया है, और बाकी अभी मौके पर हैं। मौके पर गाड़ी कहां से आ रही है जी, कहां क्या घटना? ये अभी आधे घंटे पहले की बात है, करीब 9 बजे की बात है, और ये अपने एयरपोर्ट तरफ से जो रास्ता आ रहा है सुपर कॉरिडोर पे लवकुश तरफ, उस तरफ आ रहे थे। बाकी उसमें अभी और कोई जानकारी मिली नहीं है कि ये कहाँ से आ रहे थे, घायल कहाँ के रहने वाले हैं या कहाँ, ये अभी नाम मुझे जानकारी नहीं है। अभी हॉस्पिटल पहुँचा दिया उनको तत्काल एम्बुलेंस से। आपका नाम? उप निरीक्षक स्वराज डाबी, थाना बाणगंगा। एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे? एक्सीडेंट हुआ था। कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? ये सुपर कॉरिडोर के ब्रिज उतरने के बाद में। कितने लोग थे इसमें? इसमें चार लोग थे। नहीं, नाम तो मेरे को नहीं पता है। एक्चुअली मैं भी पड़ोस में रहता हूँ, तो मैं ऑफिस से जस्ट घर आया था, और आने के बाद मेरे को पता लगा कि ऐसा ऐसा हो गया। कहाँ के रहने वाले हैं सर ये लोग? ये यहाँ एयरपोर्ट रोड के रहने वाले। कितने जाने थे कार के? गाड़ी के अंदर चार लोग। कितने लोग घायल हैं? उसमें से सभी स्वस्थ हैं, मतलब चल करके गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें, कुछ घायल नहीं। सुनील शर्मा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।